पराई नारी पर नजर मत डालो, कितना दर्द है मोहब्बत में, तन्हाई अलग, जुदाई अलग, बेवफाई अलग, और घर वालों को पता चला तो कुटाई अलग। क्योंकि कीचड़ और लीचड़ से संभल के रहना एक तन खराब करता है, एक मन खराब करता है। ये मक्खी ये मक्खी अगर चाय में गिर जाती है तो दुनिया वालों ने चाय को ही फेंक देता है। ये मक्खी अगर चाय में गिर जाती है तो दुनिया वालों ने चाय को ही फेंक देता है। अगर वही मक्खी घी में गिर जाए तो लोग मक्खी को फेंक देता है। वाह! शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है गुर्राता है। जिसने हमें पढ़ने का अधिकार दिया है, अगर उसी के बारे में नहीं पढ़ा तो फिर हमारा पढ़ना बेकार है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ, लेकिन तू पढ़ाता नहीं। दारू पीता है, गिड़गिड़ाता है, रोड पे गिरता है। अरे तुझे देखने के बाद थू, 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 थू। कुत्ता मूतेगा मुंह में तेरे। मेरे बाबा साहब ने इस देश को आजाद किया, मगर तो इस देश को बर्बाद कर रहा है। पीता जा, एक दिन तेरे बच्चे रोड पे आ जाएंगे। क्योंकि मकान अगर रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, जमीन अगर रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, लेकिन जब इंसान रोड पे आ जाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। एक दिन तेरे बच्चे भीख मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, कोई चंदा नहीं देगा। पीता जा, एक दिन डॉक्टर और हॉस्पिटल दोनों तुमको जवाब दे देंगे। तेरी किडनी तुमको जवाब दे देगी, तेरा फेफड़ा तुझको जवाब दे देगा, मर जाओगे। कबाड़ा वाला नहीं पूछेगा, और तू जिंदा ही कहाँ है कि मर जाएगा। दारू पी, पीता जा, दारू पी, तेरा मिशन पूरा हो जाएगा। नहीं समझा, मरेगा तू, जल्दी मरेगा। जो अंबेडकर जी को नहीं मानता, मैं उसको नहीं जानता। नहीं समझा, पीता जा, एक दिन कुत्ता तेरा मुंह चाटेगा। तेरे जिंदगी में नया मोड़ क्यों लगता है? बाबा साहब ने तुझे वोट का अधिकार दिया, इसलिए बड़े बड़े नेता तेरा गोड़ लगता है। नहीं समझा, यही नतीजा है। तुम लोग आपस में इसलिए लड़ते हो कि कभी अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ते हो। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता। अरे बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में लड़के दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। तेरी सोच पे दया आती है। अरे तू तो दांत चियार के चला जाएगा, बच्चे तेरे भीख मांगेंगे। इनके उनके आगे हाथ पसार के गिड़गिड़ाएंगे, ए बाबा दे दे, ए बाबा दे दे, पांच रुपया दे दे, भूख लगी है, पांच रुपया दे दे, भूख लगी। शर्म नहीं आती है, मगर कोई नहीं देगा। तू तो दांत चियार के चला जाएगा,
ये दुनिया ही अजीब तरीके की है। जिस हाथों ने संविधान लिखा, जिसके बल पे आज कपड़ा, मकान, भोजन, पानी, शिक्षा पाते हैं। इंसान उसी हाथ के अंगुलियों को तोड़ डालता है। गजब की दुनिया है और गजब के लोग। जिसने हमें पढ़ने का दिया अधिकार, अगर उसी के बारे में नहीं पढ़ा तो तेरा पढ़ना सब है बेकार। शिक्षा वह दरवाजा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं। किताबें तो खुद चुप रहती है, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसको बोलना और लड़ना सिखा देती है। पैसा, पैसा, वाह वाह। आज बैंक में पैसा डालो तो पैसा काटता है, बैंक से पैसा निकालो तो काटता है। बैंक में पैसा ना डालो तो काटता है, ना निकालो तो भी काटता है। तेरी कहानी अजब है, का समझे। इंसान जीता है पैसा कमाने के लिए, फिर भी मर जाता है। इंसान जीता है पैसा कमाने के लिए, फिर भी मर जाता है। अरे तू कमाता है इसलिए कि खाएगा, खाता है इसलिए कि जिएगा, फिर भी मर जाता है। अगर जीने के लिए कमाता है, खाता है, तो अभी मर जा, मर जा, मर जा, अभी मर जा। अरे अपना और अपने बच्चों का तो भरण पोषण एक जानवर भी कर लेता है। अगर जिंदा रहने के लिए जीते हो, मरने के डर से जीते हो, खाने के लिए कमाते हो, तो अभी मर जा, मर जा, जा, मर जा, मर जा। अरे एक नजर गरीबों की तरफ उठा के देखो, समाज की तरफ उठा के देखो, तेरी आंखें खुल जाएगी। जब भी कोई दिल का पुजारी है, कोई प्रेम का पुजारी है, ये सारी दुनिया भिखारी है। ये सारी दुनिया भिखारी है। अमीर को देखो तो मंदिर में भीख मांगता है, और गरीब को देखो तो मंदिर के बाहर भीख मांगता है। अरे ये कैसी लाचारी है, क्योंकि ये सारी दुनिया भिखारी है। अनपढ़ होना कोई बुरी बात नहीं, अनपढ़ होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा होकर भी अंधविश्वासी, पखंडी और मूर्ख होना बड़ा ही चिंता का विषय है। माटी का नाक बनाकर पूजे लोग लुगाया। माटी का नाक बनाकर पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले तो लाठी ले धमकाया। जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाप पूजवाया, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को पाप बनाया। यह दुनिया कितनी बावरी है, जो पत्थर पूजे जाए, घर की चकिया कोई न पूजे, जिसका पीसा खाए। चमत्कार 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 चमत्कार, कैसा चमत्कार। मूर्ति दूध पीती है तो कोई नहीं चमत्कार। मूर्ति अगर दूध पीती है तो कोई नहीं चमत्कार। मूर्ति अगर दूध देती है और गरीब के बच्चे पीते हैं तो चमत्कार ही चमत्कार। जिस देश का मूत्र प्याले में जाएगा और दूध नाले में जाएगा, वो देश कभी नहीं उजाले में जाएगा।
कहीं ना कहीं कर्मों का डर है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। हाँ, खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंखें बंद करो और अपने जमीर से पूछो। राजा भी भिखारी हो जाता है। उधार देने के बाद राजा भी भिखारी होता है। उधार देने के बाद अपने ही पैसे भिखारी बन के मांगने पड़ते हैं, और उधार लेने वाला सेठ बन जाता है और तारीख पे तारीख डालता है। देखता हूँ अक्सर गरीबों के घरों में दुपट्टा फटा ही सही, लेकिन सर पे रहता है। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाओ। घर के बुजुर्ग अगर हंसते हुए मिले तो समझ लेना ये घर अमीरों का है। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर इतना तो मालूम है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आता है, और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखाता है। नीच व्यक्ति वो होता है जो प्रतिष्ठा पाने के बाद अपने सबसे पहले उसी व्यक्ति को नष्ट करने की कोशिश करता है जिसकी मदद से वह बड़ा बनता है। ऐ दुनिया वालों, तेरी कहानी अजब है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और ना समझ बोलने लगते हैं। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथों में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगता। इंसान दुनिया की सारी गाड़ी चला लेता है, लेकिन जब घर की गाड़ी चलानी पड़ती है तो बेकार हो जाता है। क्यों? जो कभी किसी से नहीं हारा होता वो अपनों से हार जाता है। जिंदगी में इन पांच चीजों को कभी मत तोड़ना। विश्वास, वादा, रिश्ता, दिल और दोस्ती। क्योंकि ये जब टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। जिंदा इंसान को गिराने में जिंदा इंसान को गिराने में और मरे इंसान को उठाने में लोग गजब की एकता दिखाते हैं। जीवन में ऐसी सोच रखिए जो खोया उसका कम नहीं, पर जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, पर जो है वह लाजवाब है। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। एक बात और सुन ले, मौत न उम्र देखती है न देखती है जात। जो भी मिला ले चलती अपने साथ। न रंग न शक्ल न सूरत नहीं औकात, ये सब के सर पर फेर देती है हाथ। क्या समझे? क्योंकि मरने के बाद की गई तारीफ
और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों का कोई महत्व नहीं है। तू सिर्फ अपने से नहीं हारना, फिर जिंदगी में तुझे कोई हरा नहीं सकता। बुद्ध से बुद्धि मिली, कबीर से मिला ज्ञान, ज्योतिबा से ज्योति मिली और बाबा साहब से मिला संविधान। इसलिए आज महापुरुषों का अमर है नाम। जय संविधान।